उल्लास नगर में महापालिका द्वारा घोषित खतरनाक इमारत को लेकर जारी दो पक्षों के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में महेश लालचंद मिरानी की शिकायत पर उल्लास नगर के विट्ठलवाड़ी पुलिस ने उनके पड़ोसी दुकान मालिकों पर चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। महेश मिरानी ने आरोप लगाया है कि स्थानीय भाजपा के नेता आरोपियों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल उल्लासनगर कैंप 4 के सतराम दास अस्पताल रोड पर दो मंजिला इमारत को महापालिका ने खतरनाक घोषित कर उसे निष्कासित करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके चलते उसके ऊपर का फ्लोर तोड़ दिया गया है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर बनी दुकानों को लेकर एक विवाद छिड़ गया है और यह मामला कोर्ट में प्रलंबित है। इसी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर महेश मिरानी की प्लम्बिंग मटेरियल की दुकान है। चोरी की घटना पर महेश के बेटे पवन मिरानी ने बताया कि बीती 9 अक्टूबर की सुबह 4 बजे के आसपास आरोपी जय शर्मा, विनोद मेथवानी, जश्न राजपाल और रोशन आहूजा ने उनकी दुकान पर कब्जे के इरादे से कुछ लोगों को जबरन दुकान में घुसवाया और प्लम्बिंग मटेरियल की चोरी भी की। मेरा नाम पवन है, ये मेरे पिताजी हैं महेश मिरानी। इनकी तबीयत ठीक ना होने के वजह से ये मैं आपको सब डिटेल्स दे रहा हूँ। फरियादी ये है, ये ऐसे हुआ था, हमारा एक बिल्डिंग था कपिलेश्वर पैलेस, जिसमें हमारे फ्लैट्स वगैरह थे, वो कॉरपोरेशन की तरफ से डिमोलिशन में गया डेंजर जोन में। उसमें फिर कॉरपोरेशन और अधिकारी और कुछ लोगों ने मिली भगत करके नीचे के शॉप्स को सेव किया था, जिसके लिए हमने हाईकोर्ट में गए, वो हाईकोर्ट में केस चालू है। बट अब आगे के जो कुछ दुकानदार हैं उन्होंने क्या किया, जो हमारी पीछे प्रॉपर्टी है, जो बिल्डिंग के सेपरेट प्रॉपर्टी है, उस पर कब्जा करने की कोशिश की। हमें जैसे ही इस बात का पता चला कि ऐसे कुछ करने वाले, हमने पुलिस में पत्र दिया। जिस दिन हमने पुलिस में पत्र दिया है उसी दिन रात को 9 तारीख को रात को 4 बजे इन दुकानदारों ने अपने दुकान में से अपनी छत के पत्रे खोल के हमारी प्रॉपर्टी में 3 लोगों को एंटर करवाया। हमने तुरंत पुलिस को कॉल किया, पुलिस स्पॉट पर आई, बट पुलिस ने एक्शन ना लेते हुए, इस बीच जब हम पुलिस को सब एक्सप्लेन कर रहे थे कि ऐसी ऐसी वारदात हुई है और हमारे प्रॉपर्टी के अंदर एक बंदा है, तो जो जय शर्मा है आरोपी है, उसने हमें आके दमदारी की कि हाँ मैंने अंदर प्रॉपर्टी में आदमी भेजा है, क्या कर लोगे, एक घंटा पहले आते तो हम तुमको भी दिखाते थे। इस प्रकार हमने FIR में भी ये दर्ज करवाया है। पुलिस चली गई, पुलिस ने हमें कहा कि आप जाओ बाद में देखेंगे। हम चले आए, हमने बाद में अर्जी बना के सीनियर PI के पास दिया कि ऐसा सा है। सीनियर PI ने अर्जी की जगह हमारी FIR दर्ज की। FIR चारों के खिलाफ दर्ज हुई, जय शर्मा, रोशन आहूजा, जशन राजपाल और विनोद मेथवानी, इन चारों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। अब मुद्दा ऐसे हुआ कि जिस दिन रात को 12 बजे FIR दर्ज हुई, उसके अगले दिन सुबह 12 बजे प्रदीप रामचंदानी, हरीश कृष्णानी, नरेंद्र राजानी जो BJP के हैं, वो इन चारों आरोपियों के साथ में पुलिस चौकी गए हैं और वहाँ पर नारेबाजी की है। ये एक तरीके से जो फरियादी है उसको हैरेसमेंट करना है कि हाँ तुम्हारी FIR दर्ज होने के बाद भी हमारे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनका कहना है कि हमारे बंदे सही है, अगर कोई किसी के प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस के तोड़फोड़ करवाते हैं, चोरी करवाते हैं, तो वो आरोपी सही कैसे हो सकते हैं? क्या मांग है आपके? हमारी मांग ACP साहब से, DCP साहब, CP, सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से ये है कि जो भाजपा ने जो धरना दिया और जो आरोपियों को साथ लेके पुलिस स्टेशन गए, आरोपियों को साथ दे रहे, तो इसके लिए गुनाह दर्ज किया जाए। आरोपी आज भी फरार घूम रहे हैं, उन्हें BJP के वरिष्ठ प्रदीप रामचंद्रानी, हरीश कृष्णानी इनका पूरा समर्थन है, इस वजह से अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारी पुलिस से मांग है कि गिरफ्तारी किए जाए और पुलिस को जो ये प्रेशराइज करके इनको आरोपियों को गिरफ्तार नहीं होने दे रहे, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और प्रदीप रामचंद्रानी, हरीश कृष्णानी, नरेंद्र राजानी के खिलाफ भी गुनाह दर्ज किया जाए कि उन्होंने विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने मोर्चा निकाला बिना परमिशन के आरोपियों के साथ। महेश मिरानी की शिकायत पर विट्ठलवाड़ी पुलिस ने चारों लोगों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी के चलते मिरानी परिवार का आरोप है कि भाजपा के स्थानीय नेता आरोपियों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तभी आरोपी पुलिस स्टेशन के समक्ष खुलेआम घूम रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मिरानी परिवार ने मांग की है कि आरोपियों उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सपोर्ट कर रहे भाजपा नेताओं पर भी आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24।